पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले एशिया कप 2023 पर भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य जय शाह ने नजम सेठी को साफ साफ बता दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बहरीन में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में एशिया कप 2023 पाकिस्तान में मुनक्किद होने से मुतालिक गुफ्तगू की गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य जय शाह ने कहा कि सितंबर में होने वाले एशिया कप के पाकिस्तान में मुनक्किद होने का कोई चांस नहीं। मुत्तहिद अरब अमारात और श्रीलंका में एशिया कप खेला जा सकता है। बोला था कि नहीं होगा पाकिस्तान में नहीं होगा। ससुरे बड़ा उछल रहा था कि नहीं पाकिस्तान में ही होगा। हर दिन एक वीडियो आ रही थी कि खबर ये है कि भारत एक पक्का स्टैंड लिया हुआ जय शाह को, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है। ये आपको बता रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, काफी बुरी खबर है हमारे लिए, पाकिस्तानी फ्रेंड बुरी खबर है। तो आपको पता है सेकंड पीसीबी का पास ऑप्शन नहीं, यही है मीटिंग में कि पीसीबी अब यही कर रहा है और पीसीबी की जीत भी होगी। और मुझे लगता है कि कोई बुराई है इस पर बीसीसीआई, अगर वो इस पर मान भी जाए कि पाकिस्तान अपने मैच पाकिस्तान में ही खेलेगा और बाकी जो मैचेस होंगे एशिया कप के और भी 4-5 टोटल कुल मिला के 13 मैचेस हैं, तो 6-7 मैचेस पाकिस्तान में हो जाएंगे और बाकी जो इंडिया ने अपने मैचेस खेलने हैं, जो इंडिया अपने जितने भी मैच खेलेगा वो सारे दुबई में होंगे इंक्लूडिंग फाइनल, या श्रीलंका भी आप रख सकते हो। लेकिन चलो श्रीलंका के डिफॉल्टिंग के रोले शोले चल रहे हैं तो दुबई यूएई एक बेहतर ऑप्शन है। तो ये मिल मिला के जो है वो आपका एशिया कप होगा और इसी में अगर फैसला होता है तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। पीसीबी के लिए भी विन सिचुएशन है और बीसीसीआई के लिए भी विन सिचुएशन है, इसलिए कि पीसीबी जब यहां पर आएगा तो लोग उनसे पूछेंगे कि भाई रवि राजा तो कहते थे कि हम बायकॉट कर देंगे और आप तो बायकॉट आपने किया ही नहीं, आपने तो हमारी बल्कि बेइज्जती करवा दी कि पाकिस्तान से एशिया कप चला गया। और रवि राजा आपको पता है आजकल एक्टिव भी बड़े हुए हैं, मीडिया में जा रहे इंटरव्यू दे रहे हैं। अभी कल हमारी बात भी हुई थी रवि राजा से परसों मेरी रैली की भी, उस समय वो बड़े तपे हुए थे नजम सेठी के ऊपर, हमने सवाल भी किया था उनसे, शुभमन गिल के हवाले से भी, शर्जील और आमिर के हवाले से भी सवाल किए थे हमने, तो उस पर भी बड़े उन्होंने तगड़े किस्म का जवाब दिए थे। तो उस समय बड़े ग्रसे में तो छोड़ेंगे तो वो नहीं नसीम आपके नजम सेठी को। तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई बात भी मान लेगा और ये बीच का रास्ता निकाला जाएगा जो आपको पहले भी खबर दे रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता, अगर जय शाह इस पर नहीं मानते या बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स नहीं मानते और फैसला यही होता है कि पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में जा रहा है, तो यकीन मानिए पीसीबी की बहुत बड़ी हार हो जाएगी और फिर यहां पर भी मीडिया पर बहुत प्रेशर बनेगा नजम सेठी का और उनकी, आपको बताया जो बोर्ड है क्योंकि ऑलरेडी जिस हुकूमत से आए हुए हैं हुकूमत भी ठीक तरीके से नहीं चल रही है पाकिस्तान में, इकॉनमी के भी हालात भी बहुत खराब नजर आ रहे हैं, पेट्रोल के और डिफरेंट मामला बड़े खराब नजर आ रहे हैं, तो ये रुला हो सकता है। चलिए यहां पर कहीं क्रिकेट हो सकती है नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी, कोई रेड जोन नहीं है। और इसी हवाले से आज बड़ी मतलब जो है बातें चल रही है इस बात पर कि जी नजम सेठी हैज कम बैक फ्रॉम द एशियन क्रिकेट काउंसिल और अपेरेंटली जो है अपेरेंटली क्या, आप तो मैंने खुद कंफर्म कर लिया अपने एक बड़े रिलायबल सोर्स से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि नजम सेठी ने बड़ा जी वहां पर पॉइंट ब्लैंक डिस्कशन की है एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में बहरीन में। और जो उसमें सबसे सिग्निफिकेंट चीज है ना, ये ध्यान में रखिएगा कि बिफोर ही वेंट टू दैट एशियन क्रिकेट काउंसिल मीटिंग इन बहरीन ही हैड मेट विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लास्ट ट्यूसडे। नाउ दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट, इसलिए क्योंकि अगर नजम सेठी साहब मिलकर जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो कोई गाइडेंस लेके गए, वो उन्होंने कुछ कंसल्टेशन की है प्राइम मिनिस्टर से। वहां जाकर नजम सेठी ने पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखिए रमीज राजा जो फॉर्मर चेयरमैन थे उन्होंने मीडिया में जरूर यह बात की थी कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आया खेलने तो पाकिस्तान नहीं जाएगा इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, ठीक है ना। बट दिस the first official forum where the Pakistan cricket board has made its very stance very clear, and that stance is ki ji agar india asia cup khelne nahi aega to pakistan world cup pe nahi jayega khelne ke liye। Najm Sethi ne wo plans apne sath leke gaya tha, to agar boycott ki awaz laga ke pakistan world cup pe aaya to wo do plans jo lekar gaya tha wo plans to boycott un plans ke upar hi baat karenge aur exclusive khabar hai ki pakistan cricket board do plans apne sath leke gaya tha kal asian cricket committee kal Najm Sethi ki hi kya kehte hain call ke upar call ki gayi thi। तीसरी तो अभी तक जो हमारे पास खबरें डेवलप हुई हैं, मैं उधर मौजूद नहीं हूं, दो खबरें हैं डेवलप। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत ये जो एग्जीबिशन मैच हो रहा है, बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो प्लेयर्स दिए हैं लेकिन मैच ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट करवा रही है इन कोलैबोरेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दो अलग सिनेरियोज हुए हैं, अब कोई किसी को भी सिनेरियो से देखना चाहे, ग्राउंड के अंदर मिसमैनेजमेंट हुई, वो इस मिसमैनेजमेंट ये हुई कि कुछ क्राउड पत्थर भी फेंक रहा था, बदतमीजियां भी हो रही थी, क्राउड ने कुछ अंदर ही स्टैंड के अंदर राग लगा, तमीजियां हो रही थी, गेट के रैश हो रहे थे, जिस वजह से मैच को रोका गया और रिज्यूम कर दिया गया ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड से कोई 3 किलोमीटर दूर एक इलाका है जिसको कहते हैं, जो कि कोटा कैंट की बिल्कुल शुरुआत है, गुलिस्तान रोड है, वो कोई 2-3 किलोमीटर दूर है। वहां कोई छोटी सी एक इशू रिपोर्ट की जा रही है कुछ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरफ से भी, पाकिस्तान में भी समा टीवी और 2-3 और न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने भी ब्रेक की कि वहां सिक्योरिटी जो चेक पोस्ट है उसके ऊपर कुछ हुआ है या वहां कोई धमाका हुआ है या कोई वहां अटैक हुआ है, कुछ ना कुछ वहां हुआ है जो कि पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। मैं इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लोकल मीडिया की बात कर रहा हूं जो कि हमारे न्यूज चैनल्स हैं। तो वो दो किस्से रिपोर्ट करें कि जो मैच को रोका गया था 10-15 मिनट के लिए, वो तो इसलिए था कि जो ग्राउंड के अंदर मिसमैनेजमेंट हो रही थी विद द क्राउड, जो क्राउड जिस तरह गेट क्रैश करके अंदर घुस रहा था या जो पत्थर फेंकने के मौके हुए हैं। अच्छा, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है, ऐसा कोयटा से कोई क्लैरिटी नहीं है। दो वर्जन है, एक वर्जन ये है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स कंसर्न हुआ है लेकिन वो 3 किलोमीटर दूर है ग्राउंड से
और जो ग्राउंड में मैच रोका गया था वो ग्राउंड की अपनी वजह से था कि क्राउड की कोई बदतमीजी या वो, तो दो अलग चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। इस वक्त हम वहां मौजूद नहीं है, तो इस वक्त कोई क्लैरिटी से आपको दिल पे हाथ रखे सच और हक का फैसला तो बता नहीं सकते, लेकिन मैच रिज्यूम हो चुका है। लेकिन देखें, मैं जब रमीज ने पिशावर वाली स्टेटमेंट दी थी ना, देखें मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, मैं एक पाकिस्तानी हूं जो कि पाकिस्तान में रहता हूं और कहीं बाहर करता हूं, मुझे ये हकीकत पता थी कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलनी है तो कराची लाहौर इस्लामाबाद, यानी कराची लाहौर रावलपिंडी मुल्तान, इन चार शहरों में जो मेट्रोज है आप उधर ही कराएं तो ज्यादा बेहतर है। पिशावर कोयटा भी 100% सिक्योरिटी हमने अचीव नहीं की कि हम आ जाके मैचेस कराना शुरू कर दें। जब ये पीएसएल, जब सिटी साहब आए थे और उन्होंने नारा लगाया था पीएसएल मैचेस मैं वहां पिशावर और कोयटा में कराऊंगा, मैं उस वक्त भी हंस दिया था और उस वक्त भी मैंने बोला था कि बातें करना बहुत आसान होती हैं लेकिन प्रैक्टिकली चीजें लाना बहुत अजीब होती हैं और बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि पैनिक ना पैदा करें, दो चीजों को मुख्तलिफ वाकयात को एक साथ जोड़े नहीं, हमको इंटेंसिटी का इस वक्त पता नहीं है कि क्या सच है क्या गलत है, लेकिन दो मुख्तलिफ चीजें जो पाकिस्तान मीडिया में इटसेल्फ रिपोर्ट हो रही है वो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। एक पॉइंट ऑफ व्यू रिपोर्ट हो रहा है ग्राउंड के अंदर का, एक पॉइंट ऑफ व्यू रिपोर्ट हो रहा है 3 किलोमीटर दूर का, इन दोनों से कोई कनेक्शन एक दूसरे का जोड़ा नहीं जा रहा, लेकिन अगर जाके जोड़ेगा तो आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए, जो भी होगी हम ढकाई छुपेंगे नहीं और उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। लेकिन ये जो सिटी साहब और इनके चेयरमैन और ये जो चीफ के जो राइट लेफ्ट एंड सेंटर है ना, इनको समझना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान के भी वैसी नहीं है जैसे ये शायद अपने दिमाग में इन्विजन करते हैं, तो इन लोगों को चीजों को सोचना चाहिए समझना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि खबरें कुछ ऐसी आई कि नजम सिटी ने भी भैया बायकॉट की आवाज लगा दी कल एशिया कप की काउंसिल में, और ये बात तो देखिए कंफर्म हो गई, रात को मैं 50-50 ये बात कर रहा था लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि कोई गर्मा गर्मी तो हुई है, गर्मा गर्मी सिटी की जेशा के साथ, और वहां सिटी ने भी बोला ये कौन सा मजाक है और हम होस्टिंग है तो पूरी दुनिया आ रही है तो इंडिया भी है, जिस पर जेशा ने पहले एक दफा रिपीट किया ये कमेंट कि भैया मेरा मसला नहीं है, हुकूमत का मसला है, बीसीसीआई टीम नहीं भेज सकती क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती टीम भेजना पाकिस्तान, तो उसके ऊपर बात जाहिर सी बात है एक डेडलॉक के ही सामने आनी थी। लेकिन ये जो बात पाकिस्तान मीडिया में फैलवाई गई कि सिटी थ्रेटन टू बॉयकॉट वर्ल्ड कप और वो बिल से निकल के लोग आ गए, सिटी हम तो इस राजा को रगड़ते थे इस कमेंट के ऊपर, वही ट्वीटे कर रहे हैं यूएस आर सपोर्ट नजम सिटी गो एंड थ्रेटन द वर्ल्ड कप, अबे कद्दू वर्ल्ड कप अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, इन लोगों ने भी इस बात को रिपीट किया विद अलोंग विद द प्रेसिडेंट जय शाह कि भैया मसला यह है कि हम आईसीसी टूर्नामेंट्स को और एसीसी टूर्नामेंट्स को एक साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि एक तरफ तो आईसीसी के तहत और आपने देखा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को बायकॉट कर रहा है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल कल उनकी जो ग्रांट है 6% से वो 15% पे लेके जा रहा है, सो इट शोज कि दोनों अलग पैरेलल बॉडीज हैं, वो अलग अलग ऑपरेट करती हैं, अलग अलग काम करती हैं, एसीसी के टूर्नामेंट से आईसीसी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सिटी साहब अगर वाकई ये थ्रेटन करने गए थे जय शाह को तो वो दो प्लान अपने साथ क्यों लेके गए, प्लान नंबर वन जो वो लेके गए हैं कि यूएई पूरा ये टूर्नामेंट को शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन दो इस वक्त अप्रोच चल रही है, इस वक्त जो कतर है कतर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्रिकेट को अपने मुल्क में लाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हुई मैसिव फैसिलिटीज बनी, वर्ल्ड कप खत्म हुआ एकदम वहां सन्नाटा आ चुका है, तो वो लोग भी चाहते हैं कतर वाले भी चाहते हैं कि वहां अब क्रिकेट टूरिज्म स्पोर्ट्स टूरिज्म उनकी तरफ बढ़े और उनकी तरफ आए, और उनको पता है कि दुबई से लोग 40 मिनट 1 घंटे 2 घंटे की ड्राइव करके दोहा पहुंच सकते हैं, वहां से सऊदीया से भी लोग आ सकते हैं, बिल्कुल सेंटर है, तो लोगों का एक्सेस पूरे गल्फ जिसको जीसीसी कंट्रीज कहा जाता है यानी गल्फ कंट्रीज कहा जाता है।